2007 का वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तानी राहुल द्रविड़ के हाथ में ही और राहुल द्रविड़ की जो टीम ही भी में बहुत बड़ा बड़ा सुपरस्टार रहा, लेकिन भी के बावजूद भी यह टीम 2007 का वनडे वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में रहेगी। लेकिन बाद में यो वर्ल्ड कप आने के बाद में टीम इंडिया का सेक्टर से सक्का सब बड़े खिलाड़ी छोड़ के युवा MS धोनी ने टीम की कप्तानी देनी और MS धोनी की कप्तानी के बारे में थनसब ने बेरे हुए बाद में MS धोनी पीछे मुड़ के बिल्कुल भी कुंद देखियो और 2007 को T20 वर्ल्ड कप, 2011 को ODI वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियन ट्रॉफी टीम इंडिया का नाम कर दी। लेकिन अब MS धोनी को जाने के बाद में टीम इंडिया की अलग तो वापस फिर से एक बार बैंक ही होगी। अगर मैं बात करूँ टीम इंडिया के बारे में तो टीम इंडिया में अब भी बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं, लेकिन भी के बावजूद भी टीम इंडिया एक ट्रॉफी खातिर तरस रही है। टीम इंडिया पिछले 2-3 साल में लगभग 5-6 ICC ट्रॉफी गवा दी, तो अब बीसीसीआई जाएंगे 2007 में पूरी टीम को बदलाव करो, वही 2023 में भी पूरी टीम को और साथ साथ कोच को भी बदलाव करने की पूरी तैयारी कर ली है। तो चलो अब मैं वीडियो में नई टीम इंडिया के बारे में बात करूँ, इससे पहले थे वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। 2023 में वनडे वर्ल्ड कप आने के बाद में अब अगलो वर्ल्ड कप 2024 में T20 वर्ल्ड कप हो सी। T20 क्रिकेट में टीम इंडिया कप्तानी पिछले कुछ साल से हार्दिक पांड्या संभाल रखी है और पिछले एक साल से हार्दिक पांड्या ने टीम की कप्तानी देने के पीछे एक ही कारण है कि 2024 का वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या टीम की कप्तानी संभाल सी और हार्दिक पांड्या ने टीम की कप्तानी देने के पीछे एक ही कारण है कि हार्दिक पांड्या IPL में गुजरात टाइटल की टीम के लिए बहुत ही बड़ी कप्तानी करी है। टीम इंडिया के कोच के बारे में बात करें तो 2023 का वर्ल्ड कप के बाद में राहुल द्रविड़ कोचिंग कार्यकाल खत्म हो गए और राहुल द्रविड़ आपको कोचिंग कार्यकाल अब आगे बढ़ाने की मंजूरी कुंदनी, तो अब टीम इंडिया के लिए नए कोच की नियुक्ति करी जाएगी। तो अब भी VVS लक्ष्मण ने टीम इंडिया को नया कोच नियुक्त कर सकी। अब अगर कोच और कप्तान के बाद में बात करें टीम के बारे में तो 2024 T20 वर्ल्ड कप में पुराना कोई भी खिलाड़ी कौन खेल सकी, क्योंकि रोहित शर्मा ने भी पिछले कुछ साल से T20 में 12 कर रखे। नई टीम इंडिया में ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन और रिंकू सिंह जैसा प्लेयर खेलता दिखेगा और साथ ही इस टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या के हाथ में दी गई है। तो अब देखना पड़ेगा कि हार्दिक पांड्या 2024 का T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की स्थिति रखेगा। हार्दिक पांड्या IPL में ठीक ठाक कप्तानी करेगी तो अब सबने उम्मीद डरगी कि हार्दिक पांड्या MS धोनी की तरह टीम इंडिया ने ICC ट्रॉफी आपका नाम करवा दे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर थोड़ी वीडियो चोखो लगी हो तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब भी करियो और वीडियो ने शेयर भी करियो।